चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर में किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिलने पर वे आक्रोश हैं। गुस्साए किसानों ने हरपालपुर मंडी के बाहर सड़क पर हंगामा कर दिया। किसानों ने व्यापारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मटर का दाम MSP से नीचे खरीदा जा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर किसानों ने प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगाया है। किसानों के प्रदर्शन की खबर मिलते ही पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। किसानों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर हाईवे चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि मंडी प्रांगण के बाहर किसानों के द्वारा कुछ जाम लगाया गया है, तो थाना प्रभारी हरपालपुर के द्वारा जाम वालों में सहयोग किया गया और किसानों के द्वारा भी सहयोग किया गया है। जो मटर है, मटर के रेट को लेकर समस्या थी। किसानों का कहना ये था कि कुछ ही व्यापारी आते हैं और बहुत सीमित दाम बोलते हैं, तो नीलामी हो जाती है। तो इसी संबंध में उन्होंने अपनी समस्याएं मुझे बताई, पुनः मैंने डाक चालू करवा दी है। किसानों की समस्याओं को भी ध्यान में दिया जाएगा, व्यापारी की समस्याओं को भी ध्यान में दिया जाएगा। और दोनों नाम हमें खड़े हैं। मैं गोदी से आज मटर लेके आया था, तो मेरे भाई की ट्रॉली की पहली डाक हुई तो उनने मुझे कॉल किया कि हमें भैया यहाँ मंडी आओ, 2800 से 3200 तक गुप्ता लोग, वानिया लोग हैं जो यहाँ खरीदते हैं, वो माल खरीद जाए। तो सबसे बड़ी बात सर यहाँ की क्या है मंडी की, कि जो रजिस्टर्ड वानिया हैं 8-10 हैं 12 हैं 15 हैं, वो एक भी लोग नहीं है आप डाक बोलने के लिए आते। यहाँ पर 2 या 3 लोग आते हैं जो अभी प्रेजेंट में खड़े हैं, ये हिसाब की बात है। और उन लोगों की सब मिली भगा दें, पुलिस को भी रुपये खबा रहे हैं, अच्छा SDM साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको खरीद कर रखा है उनने। किसानों के ऊपर आप देख रहे हैं अभी आप बीती क्या हो गई, फिर भी इन लोगों को इतना नहीं होता कि किसान का MRP कितना है। 5200 रुपये मटर का है, जो अभी 2800 के लगा के 3500 तक 3600 तक डाक बोल